दोस्तों मुझे वो क्या कहते हैं लिंग वाली प्रॉब्लम है। अरे नहीं वो वाला नहीं, छी छी आप लोग क्या सोच रहे थे। नहीं, मेरा मतलब है हिंदी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाले वाक्यों को समझने की प्रॉब्लम। क्या है कि बचपन से ही मैं हिंदी, केमिस्ट्री और मैथ में पैदल था। जो कुछ हिंदी सीखी है वो ज्यादातर सोसाइटी के बच्चों और फिर मसूरी के दोस्तों के साथ खेलते कूदते पढ़ते सीखी, और फिर ऑफ कोर्स हिंदी फिल्म्स देख के, दूरदर्शन के सीरियल्स देख के, हिंदी फिल्मों के गाने सुनकर, क्योंकि घर पे तो इंग्लिश बोली जाती थी पापा मम्मी बहन के साथ। तो मेरी हिंदी जो है वो ज्यादा कल्टिवेट हुआ क्लासरूम के बाहर, दोस्तों के साथ स्पोर्ट्स खेलकर, साइकिल चलाकर, मार्केट से टॉफी, मिल्की बार, फैंटम सिगरेट्स, पॉपिंस, रोला कोला, अंकल चिप्स खरीद कर। मैं अपने दोस्त विनोद और जय इंदर से कुछ पूछता गया, वो जवाब देते गए, और इस टूटी फूटी हिंदी से शुरू करके आज मैं आपसे हिंदी में वार्तालाप कर रहा हूं। वाह, वार्तालाप क्या शब्द है। अब ऐसा नहीं है कि स्कूल में हिंदी पढ़ के मेरी हिंदी बेहतर नहीं हुई, बिल्कुल हुई। बहुत कुछ सीखने को मिला और एक प्योरिटी भी आया मेरे बोलने के तरीके में। पर बचपन से ही दोस्तों मुझे पुलिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानने में दिक्कत हुई। मतलब हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन मैस्कुलिन वर्ड्स एंड फेमिनिन वर्ड्स इन हिंदी? कोई रूल नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, बस स्त्रीलिंग होती है और ट्रक पुलिंग। और आज तक भी मुझे कंफ्यूजन होता है। चाचा चाची, माता पिता, शेर शेरनी, देखो ये सब चॉक बोर्ड पे सही था, क्लासरूम तक ठीक था, बाल भारती के पन्नों तक ठीक था, मगर साला जैसे कक्षा से निकले तो किसको याद है कि पुरुष वाचक या पुरुष लिंग से जुड़े शब्द क्या हैं प्रैक्टिकल डेली स्पीकिंग में। कैसे मालूम पड़ेगा कि पुरुष जाति और उसके संबंध रखने वाले विशेषण क्या हैं? लाइक मैम सेड, क्लास में तो हिंदी टीचर ने चौक से बोर्ड पर लिख दिया कि बच्चों पुरुष वाचक या पुरुष लिंग से युक्त वो शब्द जो पुरुष जाति या उससे संबंध रखने वाले विशेषण अथवा क्रियाओं का बोधक हो उसे हम पुलिंग कहते हैं, और जिस संध्या शब्द से स्त्री जात का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, और इसके भिन्न भिन्न प्रकार हैं, माता रानी, लड़की, घोड़ी, बकरी, और फिर निर्जीव पदार्थ जो फेमिनिन के अंदर आएंगे, सुई, कुर्सी, गाड़ी वगैरह वगैरह। और हिंदी कक्षा में हमें यह भी सिखाया गया कि पुरुष वाचक में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है, ठीक है, इतना तो मुझे याद था। अब टीचर ने क्लास में इसके एग्जाम्पल्स पूछे तो अच्छे बच्चे के तरह मैंने अपना हाथ ऊपर किया और बोला, मैम मैं खेल रहा हूं, तू भी खेल, ये सब खेल रहे हैं। और मैम ने कहा, शाबाश बेटा, बहुत सही, और नोटबुक पे एक स्टार चिपका दिया। मगर जैसे क्लास खत्म होने की घंटी बजी और मैं उस कमरे से निकला तो अपना इंग्लिश में सोचने वाला दिमाग की हिंदी बटन डाउन हुआ, और वही इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बेसिस पे डिफाइन करने की समस्या आ गई। अब मेरा दिमाग को इतना याद था कि चुन्नी जो है वो फेमिनिन वर्ड है, ठीक है, मगर फिल्म कैसे मालूम पड़ेगा बोलते वक्त कि फिल्म देखी जाती है या देखा जाता है? अब दोस्तों मैं इतना तो डिफरेंशिएट कर सकता था बचपन में कि जो शब्द आ से खत्म होते हैं वो पुलिंग के अंदर आएंगे, जैसे कि कपड़ा, डंडा, अंडा, तबला, और ये भी कि हफ्ते के दिन भी पुलिंग के अंदर आते हैं। मगर जब हिंदी में गाय को आप स्त्रीलिंग से एसोसिएट करते हो तो गाय की दूध क्यों नहीं कहते हैं? दूध मैस्कुलिन क्यों है? हम गाय का दूध क्यों कहते हैं? और हां, अगर दूध मैस्कुलिन है तो चाय, कॉफी, लस्सी, चटनी फेमिनिन क्यों? मुझे दूध पीना है मगर मुझे चाय पीनी है, ये क्या ड्रामा है भाई? किसने डिसाइड कर लिया कि कुछ लिक्विड आइटम्स पुलिंग में आते हैं और कुछ स्त्रीलिंग में? बताओ, बताओ मुझे उस आदमी का नाम। अब इसी के साथ आप शरीर के अंग देख लो, बॉडी पार्ट्स, हाथ, पैर, कान, दांत, मुंह, अंगूठा, घुटना, ये सब पुलिंग के अंदर आते हैं, मगर जीभ, आंख, नाक, गर्दन और उंगलियां स्त्रीलिंग के अंदर क्यों हैं? एक हाथ में पांच उंगलियां होते हैं जिनमें से चार स्त्रीलिंग और एक अंगूठा पुलिंग, कहां का इंसाफ है ये? बड़ा कंफ्यूजिंग था यार ये सब एक बच्चे के लिए, और अगर वो बच्चा वैसे ही स्टडीज में थोड़ा कमजोर हो तो आप खुद समझ सकते हैं कि उसके लिए हिंदी कितना मुश्किल था।
और कैसे मैंने हिंदी सीखा और आज आपके सामने बात कर रहा हूँ। तो हाँ, अगर कभी भी मेरे वीडियोस में आपने मुझे स्त्रीलिंग और पुलिंग को कंफ्यूज करते हुए सुना तो डोंट माइंड, आपको आज आइडिया मिल गया होगा कि मैंने कैसे स्ट्रगल किया बचपन में इसके साथ। बाकी दोस्तों, आपके पास कोई सजेशंस हो, कोई टॉपिक्स हो जो आप मुझे डिस्कस करना देखना चाहते हो तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख दीजिए। चलता हूं दोस्तों, ख्याल रखें अपना, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, जय हिंद, वंदे मातरम।